हाल ही में संपन्न 19वें एशियाई खेलों की तीरंदाजी स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदकों की हैट्रिक बनाने वाले ओजस प्रवीण देवतले का शहर पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। 21 वर्षीय विश्व विजेता तीरंदाज ओजस का बुधवार को दोपहर करीब 4:50 पर नई दिल्ली से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विमानतल पर आगमन हुआ। शहर के इस लाडले तीरंदाज के आगमन पर बड़ी संख्या में अनेक असंख्य चहेते विमानतल पर मौजूद थे। इनमें अभिभावक, नाते, रिश्तेदारों, सियासतदारों के अलावा शांग्रीला इंग्लिश हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज स्कूल ऑफ स्कॉलर्स के छात्रों समेत बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों का समावेश था। विमानतल परिसर से बाहर आते ही ओजस के सम्मान में जोरदार घोषणाएं की गईं। माता पिता की मौजूदगी में ओजस का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। इसके बाद ओजस फूलों से सजी हुई खुली जीप में सवार हुए। यह रैली शहर भ्रमण करते हुए गणेश नगर स्थित ओजस निवास स्थान सावली पहुंची। एशियाई खेलों की तीरंदाजी स्पर्धा के कंपाउंड वर्ग में व्यक्तिगत मिश्रित युगल और पुरुष टीम चैंपियनशिप में स्वर्णिम प्रदर्शन करने के बाद अपने गृह नगर पहुंचने की खुशी ओजस के चेहरे पर साफ झलक रही थी। शहर आते ही इन बीसीएन से बात करते हुए ओजस ने कहा कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक के साथ घर लौटना बड़ी बात है। मेरी इस कामयाबी में माता पिता, बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का अहम योगदान है। उनके आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया। नागपुर ने एवढा प्रेम दिला मला, अजून मनापासून थँक्यू म्हणतो अख्ख्या नागपूर लाईफ कार्ड। याचा श्रेय मी सगळ्यांना देतो, माझ्या मम्मी पप्पाला, माझ्या कुटुंबाला, नागपूर आर्चरी असोसिएशनला, पूर्ण गव्हर्नमेंटला, अजून एनटीपीसीला, अजून त्यांच्यामुळे ते सगळं म्हणजे 3 गोल्ड मेडल आपल्या भारतासाठी आलेले आहे। डोक्यात तेच चालू होतं की भारतावर झंडा फडकवायचा तिकडे। ओजस भारतीय दल के साथ नई दिल्ली लौटने पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रमुख मौजूदगी में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। समारोह में प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ओजस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए भविष्य की पेरिस ओलंपिक और अगले एशियाई खेलों में इससे बेहतर प्रदर्शन करने का अनुरोध किया। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर और राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।